हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक बहुत इजी पैटर्न लेकर आई हूँ, सिर्फ चार सलाइयों का है और इसके लिए आपको चार के मल्टीपल प्लस तीन फंदे लेने होंगे। तो सिर्फ चार लाइंस का है और उल्टी सीधी ही इसमें फंदे बनते हैं। तो देखिए, पहली लाइन सीधी साइड में तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। सबसे पहले उसके बाद एक फंदा सीधा जो है उसको डबल रैप करके बनाएंगे। दो बार उसमें ऐसे धागा लपेटेंगे इस तरीके से और बना देंगे। फिर तीन फंदे उल्टे और एक फंदा इसी तरीके से बनाएंगे। एक सीधा फंदा इस तरीके से डबल रैप करके बनाएंगे। बहुत आसान सा ये डिज़ाइन है, सिर्फ उल्टे और सीधे फंदों में ही बनेगा। तो तीन फंदे उल्टे, और एक फंदा डबल रैप करके दो बार धागा लपेट के बनाएंगे सीधा वाला। तो ऐसी पूरी लाइन बनानी है। आपके पास जितने भी फंदे होंगे इस तरीके से हम बना लेंगे इनको। लास्ट में आपके पास जो एक्स्ट्रा तीन फंदे होंगे वो आपके उल्टे आ जाएंगे। उल्टी साइड वैसी ही बनानी है जैसे फंदे दिख रहे होंगे। तो तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, जो उधर से उल्टे हैं वो इधर से सीधे आएंगे। तो ये तीन फंदे सीधे हो गए और जो एक फंदा हमने डबल रैप करके बनाया है तो धागा अपनी तरफ करेंगे पहले, और ये जो फंदा है इसको खोल के ऐसे स्लिप कर लेंगे, ऐसे ही उतार देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बनाएंगे, फिर अपनी तरफ करके ये वाला फंदा ऐसे खोल के स्लिप कर लेंगे। बस इसको जो रैप किया था वो हमने खोल देना है और फिर से पीछे करके तीन फंदे सीधे बनाएंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन को बनाते हुए जाएंगे। ये वाला फंदा ऐसे स्लिप करके खोल देंगे, बिना बुने उतारना है उसको, और फिर तीन फंदे सीधे बनाएंगे। एक फंदा ऐसे खोल देंगे इसको, तीन फंदे सीधे बनाएंगे। अब देखिए तीसरी लाइन सीधी साइड में, तीसरी लाइन है सीधी साइड में। तो तीन फंदे तो हमारे हर बार उल्टे ही आएंगे, जो ये उल्टे फंदे हैं ये तीन फंदे उल्टे ही बनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा हम फिर से स्लिप कर लेंगे जो हमने पहले भी स्लिप किया था, जो सीधा फंदा है। फिर धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, ये वाला फंदा स्लिप कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर धागा पीछे करेंगे, ये स्लिप कर लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे। तो यही तीसरी लाइन हमने करते हुए जाना है। और चौथी लाइन वैसी ही बनेगी जैसी ये दिख रही है, यानी कि जो फंदा सीधा है वो सीधा बनेगा और जो हमने स्लिप करना है उसको हम स्लिप करेंगे। देखिए तीन फंदे सीधे आएंगे, चौथी लाइन है, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ ये स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे, तीन सीधे, एक दो तीन, ये सीधा फंदा ऐसे ही उतार देंगे जो हमने पहले से ही करके रखा हुआ है। फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर ये वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा स्लिप करेंगे, एक दो तीन, फिर ये फंदा स्लिप, और लास्ट में तीन फंदे सीधे। तो बस आपकी जो लाइन है उसमें हमारा जो सीधा फंदा है वो हर वक्त स्लिप ही होता है, सिर्फ फर्स्ट रो में बनेगा वो फंदा। तो ये चार लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। ये डिज़ाइन ऐसा बनेगा आपका जब ये बन जाएगा, तो आप इसको जेंट स्वेटर पे डाल सकते हैं और आप चाहे तो अपना कार्डिगन भी बना सकते हैं। तो पहली लाइन में एक बार रिपीट करके दिखा देती हूँ, तीन फंदे तो उल्टे बनेंगे और जो ये सीधा फंदा है जो हम पहले स्लिप कर रहे थे, अब सीधी लाइन आ गई है यानी कि फर्स्ट रो आ गई है फिर से। तो इसको डबल रैप करके बनाएंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, और एक फंदा हम डबल रैप करके बनाएंगे। इसी तरीके से ये पूरी रो हम बनाते हुए जाएंगे। फिर ये तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक फंदा ऐसे रैप करके बनाएंगे, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा रैप करके बनाएंगे,
और तीन फंदे उल्टे। तो यही हमने चार लाइंस रिपीट करनी है। मैंने फर्स्ट रो फिर से रिपीट करके दिखा दी, पहली लाइन मैंने फिर से रिपीट कर ली इसमें। तो बनने के बाद ये डिज़ाइन इस तरीके से दिखेगा, बहुत आसान और खूबसूरत सा डिज़ाइन है। आप थोड़ा सा मोटी वूल पे भी इस डिज़ाइन को डालेंगे तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा बन के आएगा। तो फिर बनाइए, और डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।